सेगांव में देवीश्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर परिसर में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन की बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसहमति और संभाग संयोजक मोहन किराड़े के द्वारा गोपाल जमरे को सेगांव जयस का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही सामाजिक विचार विमर्श किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, अपनी अपनी ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण करना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना और लोगों को अपने अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करना और आदिवासी परंपरा संस्कृति के प्रति जागरूक करना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्वसहमति से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस ब्लॉक स्तर पर सेगांव में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जयस संभाग संयोजक मोहन किराड़े, जयस ब्लॉक उपाध्यक्ष रविंद्र गोरे, जयस ब्लॉक मीडिया बादल भटनागर, कपिल पवार, शेरू किराड़े, दिनेश मुकादी, कैलाश रावत, अखिलेश मंडोई, जवान सिंह किराड़े, ताराचंद मुजालदे, मोहम्मद मिनावत, शांतिलाल चौहान, विजय अकोले, गोपाल भावर, मुकेश बडोले, अनिल गोरे, रोहित वास्कले, सुनील चौहान आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आज यहाँ माताजी के प्रांगण में बैठक ली गई और 9 तारीख को सेगांव में ही ब्लॉक स्तर पर मनाने का डिसीजन लिया गया है। और इसके साथ ही जयस सेगांव का अध्यक्ष नया बनाया गया गोपाल जमरे को नियुक्त किया गया। सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।